और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में 2 मिनट तक महसूस किया गया भूकंप के झटके। दिल्ली समेत हरियाणा और अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस होने को मिले हैं। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। एक बार फिर से बता दें, लगना चाहिए एकदम से, क्योंकि मैं फोर्थ फ्लोर पे बैठा हुआ था तो मुझे लगा सेफ्टी के लिए नीचे आना जरूरी था, इसलिए नीचे भाग के आ गए। क्या क्या नुकसान हो ऐसा लगा आपको, कुछ नुकसान हो सकता है? कितना झटका तगड़ा था, कितनी देर तक चला होगा? झटका तो लाइफ में पहले ही महसूस किया, लेकिन पिछली बार से ज़्यादा महसूस किया हमने। इट वॉज रदर हायर देन अर्लियर। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर सौरभ, बताइए कि कैसा फील हुआ अभी जब आपने? कुर्सी हिली थी, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं लग रहा था, पर लंबा बहुत चला, मतलब कम से कम आधा एक मिनट चला, आधा मिनट तो कम से कम चला था। आप बताइए क्या नाम है आपका? पुष्पा गोयल। पुष्पा जी, क्या फील किया आपने? बस मैं उस पे चेयर पे बैठी थी तो वो हिली जरा सी। तो कितना डर लगा, तो क्या बचाओ? मेरे को तो कोई डर नहीं लगा। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर सी एस बिश्नोई। डॉक्टर बिश्नोई, क्या फील किया और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन? सर, मैं जस्ट खड़ा था, वो चेयर को हाथ में पकड़ा हुआ था, एकदम ऐसा लगा कोई मेरे को वाइब्रेट कर रहा है, तो हमको ऐसा लगा। पास में बॉस खड़े थे, उनसे पूछा कि क्या वाइब्रेट हो रहा है, बोला हाँ लगा ऐसा एकदम। इतने में से भी बोला कुछ हिल रहा है, तो हम फटाफट नीचे आ गए, पूरा खाली कर दिया बिल्डिंग। ये आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली समेत हरियाणा और अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। नेपाल जो है वो भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। दिल्ली, हरियाणा और अन्य कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, अभी थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, क्या इस खबर पे क्या जानकारी है, किन किन राज्यों में जो है वो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? जी बिल्कुल कविता, बताना चाहूंगा कि 11:46 पर जो है ये झटके आए हैं, 30 सेकेंड से लगभग एक मिनट तक ये जारी रहे हैं। और भूकंप के झटके इतने तेज गति के थे कि यहाँ पर जो दिल्ली समेत कई जगह जो है यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम समेत यहाँ पर जो है लोगों में हड़कंप समझ गया। हालांकि जितने भी जो कर्मचारी थे, जो जॉब वाले थे, वो सारे जो है बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं, क्योंकि झटका इतने तेज था कि सभी में जो है हड़कंप जो है हर जगह मच गया। हालांकि हरियाणा, चंडीगढ़ समेत जो है यहाँ पर भी जो है झटके महसूस किए गए हैं। और रेक्टल स्केल पर 7.4 जो है वो मापा गया है, और इसको नेपाल से 30 किलोमीटर जो नीचे जो है इसकी तीव्रता जो है वो नापी गई है। तो जिस तरह से ये बात चल रही है यहाँ पर दिल्ली की, अब आपको बता दें कि दिल्ली की जो मेट्रो हैं उनको भी जो है रोक दिया गया है, और लोग जो है बाहर को आ गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं, लोगों में एक डर का जो है माहौल सा आ गया। क्योंकि भूकंप की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो है लोगों में एक डर का माहौल यहाँ पे आ जाता है। तो जो इसका नापा जा रहा है कि नेपाल का काठमांडू से 30 किलोमीटर के नीचे का जो है 7.4 की इसकी तीव्रता मानी गई है। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक जो है ये जारी रहे और महसूस किए गए। और इसको जो स्केल पर, जो रिक्टर स्केल पर जो है उसकी भूकंप की तीव्रता थी 7.4 जो है वो मापी गई है। हालांकि इसका ज्यादा असर जो है अगर लोगों में जो जिस तरह से हड़कंप मचा है, पूरी बिल्डिंग से जो लोग बाहर आ गए, दिल्ली में जो है खासकर देखा गया है, दिल्ली में जितने भी कर्मचारी थे, जो बिल्डिंग थी, सरकारी बिल्डिंग थी, वहां पर जो है वो लोग जो है घरों से निकलकर या फिर बिल्डिंग, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं और जो सड़कों पर आए हैं, क्योंकि भूकंप के झटके इतनी तेज थे कि लोगों में एकदम जो है झटके लगे और उस लोग जो है वो फटाफट जो है वो घर के बाहर या बिल्डिंग से जो है वो बाहर आ गए। जी बिल्कुल मनोज, क्या कहीं पे जान माल के नुकसान की भी खबर है? बिल्कुल कुमिता, अभी तक तो जो कोई भी जो है जान माल की जो है अभी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली समेत या यूपी, बिहार, झारखंड, सिक्किम, नेपाल जहां पर केंद्र था, चंडीगढ़ समेत या हिमाचल प्रदेश समेत, हरियाणा समेत सभी जगह जो है महसूस हुए भूकंप के झटके, लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो कोई भी जान माल की को जो है वहां पे अभी कोई खबर जो है वो नहीं आई है। जी जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके तेज
तेज झटके महसूस किए गए। पूर्वोत्तर भारत में 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली समेत हरियाणा और अन्य राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि लोग घरों से बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है और इसका केंद्र जो है वो नेपाल का काठमांडू बताया जा रहा है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर भीषण दुर्घटना की खबर है। यह हादसा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन के मेहर के करीब हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार एक टवेरा टैक्सी जिसका नंबर JK03D8876 बताया जा रहा है, वह रामबन के मेहर के पास चिनाब नदी में गिर गया जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई और 5 यात्री अभी भी चिनाब नदी में लापता हैं। हालांकि 5 यात्रियों को बचा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह गंभीर हादसा आज सुबह हुआ और इस हादसे में घायल ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें, श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर भीषण दुर्घटना की खबर है। यह हादसा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में मेहर के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि टवेरा टैक्सी जो है वो रामबन के मेहर के पास चिनाब नदी में जो है गिरी है जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 5 यात्री अभी भी चिनाब नदी में लापता है। हालांकि 5 यात्रियों को बचा लिया गया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा आज सुबह हुआ है और इस हादसे में घायल ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष कोहली के साथ। जी आशीष, क्या जानकारी है इस दुर्घटना के बारे में? सुमिता, ये आज सुबह का जो हादसा हुआ है इसमें अभी तक की जो जानकारी आ रही है इसमें 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि जब सुबह जब ये खबर आई थी उस समय कोई 5 से 6 लोग थे जो कि मिसिंग बताए जा रहे थे। अब पता ये चला है कि 2 लोगों की उनमें से मारे जाने की खबर है लेकिन बाकी लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक रामबन का एरिया है जहाँ पे ये आज सुबह एक्सीडेंट हुआ कोई 5:30-6 बजे के करीब, जो कि श्रीनगर से जम्मू की तरफ गाड़ी आ रही थी, टवेरा गाड़ी आ रही थी जिसके अंदर यूपी के कुछ लोग थे, लेबर क्लास के लोग थे जो कि सफर कर रहे थे और एक पीछे मोड़ के ऊपर ये गाड़ी जो है हादसे का शिकार हो गई और एक चिनाब दरिया है उसके अंदर जा गिरी और जिसके अंदर 5 से 6 लोग जो है मिसिंग बताए जा रहे हैं और कुछ लोग जो है काफी इंजर्ड हैं जिनको की जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी आशीष, ये हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? जी कोमिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे है पिछले कुछ साल से जो सर्वे भी किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने लोग मिलिटेंसी के शिकार नहीं हुए जितने इस यहाँ पे एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। हर साल काफी लोग यहाँ पे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, काफी तीखे मार्ग हैं जहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं कुछ अपनी गति सीमा पे नियंत्रण खो बैठते हैं और जो कि हादसे का शिकार होते हैं। काफी बार यहाँ पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भी इन लोगों को हिदायत दी है ड्राइवरों को कि आप लोग गति का ध्यान रखें, लेकिन कई बार ओवरलोडिंग या फिर तीखे मोड़ के ऊपर इस तरह के हादसे फिर भी होते जा रहे हैं। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बता दें, श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर भीषण दुर्घटना की खबर है। यह हादसा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में मेहर के करीब हुआ है। बताया जा रहा है कि टवेरा टैक्सी जो है वो रामबन के मेहर के पास चिनाब नदी में गिर गई, उसमें 2 यात्रियों की मौत हो गई है और 5 यात्री अभी भी चिनाब नदी में लापता है। अलगाववादी नेता मसरत की गिरफ्तारी के विरोध में हुर्रियत ने आज कश्मीर बंद का आह्वान किया है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने मसरत आलम को PSA के तहत बंदी बनाए जाने के खिलाफ आज के कश्मीर बंद का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग, दुख्तरान मिलत समेत विभिन्न संगठनों ने इसका समर्थन किया है।
ये जो आज हड़ताल की कॉल दी गई है, ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई है। इस कॉल का मकसद ये था कि जो उनके हुर्रियत के एक सीनियर लीडर हैं मसरत आलम भट्ट को, जो अभी अभी जेल से रिहा हुए थे, उनको फिर से PSA के अंडर जेल में भेज दिया गया है। तो उनकी ये डिमांड है कि मसरत आलम को रिलीज़ किया जाएगा जाना चाहिए। इन केस अगर वो रिलीज़ नहीं हो पाया तब तक इनका ये इस तरह के प्रदर्शन जारी रहेंगे कि ये चाहते हैं कि हुर्रियत के लीडरों पे ऐसी पाबंदी ना लगाई जाए और उनको अननेसेसरी कानून के किसी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में ना फंसाया जाए जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़े। हरियाणा पानीपत के इसरान थाना पुलिस खरखड़ी में गायब हुई महिला को बरामद करने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने महिला की बरामदगी की बजाय यहां हैवानियत का खेल खेला और एक परिवार पर कहर बरपाते हुए मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने जिले की पुलिस को ही बंधक बना लिया। पुलिसकर्मी करीब 4 घंटे तक ग्रामीणों के बीच फंसे रहे। सूचना के बाद थाना रामपुरा प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और बंधक बने पुलिसकर्मियों को छुड़ाने में कामयाब हुए। वीडियो में जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, ये रेवाड़ी के गांव खरखड़ी की तस्वीरें हैं। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि पानीपत पुलिस का हैवान चेहरा इस परिवार पर किस तरह कहर टूटकर बना है। आमतौर पर सामान्य तरीके से कार्रवाई करने वाली पुलिस ने महिला बरामदगी के नाम पर यहाँ जमकर तांडव मचाया और घर का सामान तक फेंक डाला। घर के आंगन में पड़े कपड़े और इस मासूम पर पुलिस द्वारा ढाए गए जुल्म पुलिस के चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब कर रहे हैं। अरे छोटे छोरे का भी मार रहा है पूरी कौन लोग थे ये? ये नु बनने नहीं मेरा कौन थे कौन ना अचानक का मारी से पुलिस हुआ पुलिस या तो उन्होंने भी मारी से सरदार ने भी मारी से लेकर के कैसे ये देख ले पूछी करके बता आप तो इन्होंने क्या कहा छोटे छोरे के भी मारी से चोरी के भी मारी से गल के चैन चून सब लेकर गए से ये अभी शादी नहीं हुई है बट मैरिज हो चुकी है। राजकुमार ने आपके ऊपर कोई जबरदस्त कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों की पसंद थी, अपनी मर्जी से आए हैं ना। को अब ये जो पुलिस आई है पानीपत की, तो इन्होंने आते ही आपके साथ क्या व्यवहार किया? व्यवहार मारा चेहरा पीर मारा छतीर वो करना का सब वो कर धमकाया और मारा भैया को मारा सबको मारा मम्मी को मारा सबको मारा। मैं तो आप इनके साथ जाने को तैयार हैं? नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं नहीं। हम आपको डर है कि ये मार सकते हैं आपको? हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ हमें मारेंगे। दरअसल 16 अप्रैल की शाम वैसाखी के दिन पानीपत के इसराना से जिन जिले की रहने वाली संदीप कौर नाम की एक महिला गायब हो गई थी। आमतौर पर ढीले रवैये के लिए जाने जाने वाली हरियाणा पुलिस ने इस मामले में कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाई और इमराना थाने के कुछ पुलिसकर्मियों को महिला की बरामदगी का जिम्मा सौंप दिया। यह पुलिसकर्मी महिला की तलाश में रेवाड़ी के गाँव खरखड़ी में पहुंच गए और राजकुमार नाम के एक व्यक्ति के घर पे धावा बोल दिया। राजकुमार के घर से गायब महिला तो बरामद हो गई, लेकिन पुलिस ने जो तांडव मचाया ये देखकर ग्रामीण भी अब सन्न है। पानीपत पुलिस के ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस महिला की बरामदगी करने पहुंची पानीपत पुलिस महिला पुलिस के साथ क्यों नहीं गई और लोकल पुलिस को बिना इत्तला दिए कैसे गांव में रेड की? ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब पानीपत पुलिस के पास नहीं है। ये ऐसराना थाने में जो है एक मिसिंग पर्सन का पर्चा दर्ज है जी। इसका नाम है, ये बैसाखी वाले दिन आई थी ऐसराना गुरुद्वारे में जी, वहाँ से ये गायब हुई है जी, वहाँ पर्चा दर्ज हो गया जी। हम इसकी तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ 346 का मुकदमा था, इस संबंध में पुलिस आई थी। पानीपत की खबर, पानीपत जिंदगी बता रहे अभी बयान कर रहे हैं तस्दीक जैसे सूरत। बताया जाता गाड़ियों में हथियार भी है, क्या वो लाइसेंस शुदा है या बिना लाइसेंस के है? चेक करूँगा अभी। प्रदेश सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर भले ही सुशासन देने का दम भर रहे हों, लेकिन उन्हीं की पुलिस इन दावों को खोखला कर रही है। रेवाड़ी से मोहिंदर भारती के साथ मनोज राठी, डीएनआई न्यूज। सोनीपत के गोहाना के समता चौक पर रहने वाले 30 साल के परमजीत को कुछ लोग सुबह घर से जबरदस्ती उठा ले गए। परिजनों के मुताबिक अज्ञात लोग परमजीत की गाड़ी भी अपने साथ ले गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। पुलिस इस मामले में अभी जांच की बात कर रही है। घटना के समय परमजीत के माता पिता दोनों घर में घूमने के लिए गए हुए थे। परमजीत के माता पिता का कहना है कि सुबह के समय 4 से 5 युवक उसके घर में नाजायज तरीके से घुस गए और जब उसकी बहू के साथ बदसलूकी की और परमजीत को जबरदस्ती अपने साथ उठा ले गए। पांच चार बंदे आए, ये नहीं पता वो कौन थे,
और दबड़ दबड़ अंदर बढ़ गए, बहू आ गई तो बहू का धक्का मारा और ऊपर तक जाकर जबरदस्ती सोन परमेंद्र को उठा के दे गए और साथ में चाबी भी ले गए, गिर गाड़ी दोनों परमेंद्र भी गायब है और गाड़ी भी गायब है। पाँच छह बंदे आए और परमेंद्र ने जबरदस्ती ऊपर से सुते ने उठा ले गए और बहू बोली के कहाँ ले जा रहे हो, बहू के भी धक्के मारे अके परे न हटे, धक्के मार कर जबरदस्ती परमेंद्र को उठा लेगी, हम घर पर नहीं थे, घर में आए तो पता चल जाए। सोनीपत में बन रही राजीव गांधी एजुकेशन सिटी शुरुआत से ही किसानों का विरोध झेल रही है। एजुकेशन सिटी के लिए साल 2006 के करीब 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके विरोध में कई सालों से किसान धरने पर बैठे हैं और जमीन का मुआवजा भी नहीं उठाया है। असवारपुर गांव निवासी अंग्रेज की 4 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी एजुकेशन सिटी के लिए किया गया है, जिस पर प्रशासन ने कब्जा ले लिया है। किसान परिवार के विरोध के बाद भी प्रशासन ने कब्जा ले लिया, अब यह परिवार अपने खेत में भूख हड़ताल पर बैठ गया और सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार जल्द उनकी जमीन वापस नहीं दिलाती है तो पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। दो हजार 1894 का कानून टूट गया, रद्द हो गया, 2013 का कानून बनाया हुआ है वो अभी रद्द नहीं हुआ है, उसके अनुसार हमने केस ले रखा है 24 दो पर। सकते हैं यहाँ पे हमारी जमीन है, 4 एकड़ जमीन है जिसपे 10-11 साल पहले वो अधिटन हुआ था, आज तक हमने स्टार्ट हुआ 8 भी रुपया मुआवजा नहीं उठाया है, लेकिन ये प्रशासन के अधिकारी बिना आज तक इन्होंने तो हमारे पास कानूनी नोटिस नहीं भेजा है, ना रिटर्न में कुछ भी नहीं आया आज तक हमारे पास, फिर भी आके बार बार यहाँ पर परेशान करते हैं। परसों मेरे दादा की डेथ होगी, जिस टाइम इन्होंने फायदा उठाया, हम वहाँ पे पूरा परिवार वहाँ पे व्यस्त था, पीछे से आके उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा ले लिया। हमारे यहाँ 17 नवम्बर 2005 को सेक्शन 4 नोटिस हुआ था और 2-3-2006 को अवार्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो आप ये तोड़फोड़ देख रहे हैं इसके अंदर रोहतास के फादर रघुवीर जी जो गुजर चुके हैं उन्होंने आज तक मुआवजा नहीं उठाया है। पहले भी कई बार यहाँ प्रशासन आया था लेकिन उसको कब्जा हमने नहीं दिया था। हमारा कहना ये है कि जब तक नए कानून के तहत हमारा फैसला नहीं हो जाता तो हमारे सूबे में एक्शन मैन माने जाने वाले स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग ने अम्बाला छावनी स्थित बस स्टैंड पर अपनी टीम सहित छापा मारा। छापे की कार्यवाही में जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर समेत अन्य अधिकारियों ने बस स्टैंड में मौजूद सभी दुकानों से सैंपल भरे और उन्हें सील कर जांच के लिए भेज दिया। अम्बाला छावनी बस स्टैंड पर हुई इस छापेमारी की कार्यवाही को वे खड़े लोगों ने भी खूब सराहा और उनका भी मानना था कि अक्सर बस स्टैंडों या बसों को मिलने वाली खाद्य सामग्री ठीक नहीं होती और इसीलिए ऐसी कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए। करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात अचानक अटल पार्क के साइड किनारों पर दो अलग अलग जगहों पर भीषण आग लग गई। आग के लपटें और धुआं दूर दूर देखा जा सकता था। आग लगने से जीटी रोड पर चल रही वाहनों की रफ्तार भी अचानक थम गई। वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने दोनों जगह लगी आग पर काबू पाया। हमने यहाँ से अपना टूवर्ड्स करनाल सेक्टर 8 की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से हम ये देखा यहाँ पे काफ़ी धुआं हो रहा था और ये कहीं ना कहीं ये जो आग लगी है इसका रीज़न एक मात्र सिर्फ और सिर्फ ये जो सैलानी यहाँ पे अपना सैर करने आते हैं और वो कहीं ना धूम्रपान की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं बीड़ी सिगरेट यहाँ पे फेंकी, जिसकी वजह से ये अनहोनी की घटना घटी। गुहाना के गांव मिर्जापुर खेरी में रोहतक की विजिलेंस टीम ने भैंसवान चौकी इंचार्ज को एक युवक से 2200 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि चौकी इंचार्ज ने केबल संचालकों के बीच हुए विवाद के समझौता कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब एक माह पहले उसने एक शिकायत भैंसवान चौकी में की थी। चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने मामले में समझौता करवाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, लेकिन वह इतनी राशि देने के लिए तैयार नहीं था। बाद में दोनों के बीच 2200 रुपये पर समझौता हो गया। इसकी शिकायत रोहतक विजिलेंस टीम को की थी। कल चौकी इंचार्ज उसके घर पर 2200 रुपये लेने के लिए आया था, जहां पर विजिलेंस टीम ने चौकी इंचार्ज राजेंद्र को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस आरोपी चौकी इंचार्ज को रोहतक ले गई, जहां आज अदालत में पेश करेगी। ये मेरा केबल का मैटर था, मैंने दूसरी पार्टी को केबल बेची थी एक महीने पहले, और ये समझौता करने में बोल रहे थे 10,000 रुपये दे, और बात सेट होते होते 2200 रुपये में आ गई। और मैंने फिर विजिलेंस टीम को शिकायत की थी रोहतक, और आज मेरे घर पे लेने गए हुए थे, वहाँ पकड़ा गया। कौन रिश्वत मांग रहा था? राजेंद्र साई, मैं सोन चौकी से। ये जो है ना श्री भगवान था, गांव मिर्जापुर खेड़ी का, उसके पास केबल थी, और एक महीना पहले लगभग एक महीना पहले उसने अपनी केबल बेच दी थी। जिसको उसने केबल बेची उसका और श्री भगवान का झगड़ा हो गया, जिसमें इन चारे चौकी राजेंद्र सिंह, जिसको आज हमने रेड हैंडेड पकड़ा है, इसने कंप्रोमाइज़ करा था। उस कंप्रोमाइज़ के एवज में ये जो है ना उससे 2200 रुपये की मांग कर रहा था, जिसने उसकी शिकायत हमें की, और अपना जिसको मिर्जापुर खेड़ी गांव में ही उसके घर से ही रेड हैंडेड 2200 रुपये लेता हुआ पकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की सवारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र किया। वह धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन से द्वारका तक गए। यह सफ़र करीब 12 मिनट का था है। इसके बाद मोदी ने फोटो ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और लिखा कि मज़ा आया। मोदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एकेडमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने द्वारका जा रहे थे। धौलाकुआं के पास उन्होंने अपनी गाड़ी का काफिला छोड़कर मेट्रो में जाने का फैसला किया। उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी थे। पीएम ने आगे पीछे की कुछ सीटें खाली थी। एसपीजी के सुरक्षा अधिकारी भी मेट्रो के डिब्बे में मौजूद थे। उनकी इस यात्रा की जानकारी डीएमआरसी को पहले से नहीं थी। हिंदी समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।